ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जिसकी सच्चाई मुस्लिम भी नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईद को बनाने के पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है, जिन्हें सुनने के बाद आई एम श्योर आप बहुत हैरान होंगे और आपका ईद को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हजरत इब्राहिम को एक सपना आया जिसमें उन्हें लगा कि अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बानी में मांगी है। जब सुबह उनकी आँख खुली तो वो सोचने लगे कि उन्हें उनका पुत्र सबसे प्यारा है, अब अपने पुत्र की कुर्बानी कैसे दी जाए। उन्हें इसके लिए बहुत दुख हो रहा था। खैर, वो अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए चल दिए, लेकिन उनसे यह सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो देखा कि एक जानवर सामने कटा पड़ा है और उनका पुत्र जिंदा खड़ा है। यह था पूरा वाक्य जिसकी याद में ईद को बनाया जाता है। चलिए अब इस घटना के मनोवैज्ञानिक डायमेंशन पर बात कर लेते हैं। कुरान, यहाँ एक शब्द आया है कुर्बानी। कुर्बानी के दौरान व्यक्ति दुख से गुजरता है। इब्राहिम भी जब अपने पुत्र को कुर्बान कर रहे होंगे तो शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। इसी दुख के एहसास को कहते हैं कुर्बानी। अब इस्लाम में इसी कुर्बानी के एहसास के लिए कुर्बानी दी जाती है, क्योंकि अगर हम एक ऐसे जानवर की बलि देंगे जिससे हमारा गहरा लगाव है तो हमें इस दुख का एहसास होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज कोई भी मुसलमान ईद पर इस दुख या कुर्बानी को महसूस करता है? क्योंकि ईद से कुछ ही दिन पहले बकरे या जानवर को खरीद कर लाया जाता है और जब उस जानवर को मारा जाता है तो घर के बच्चे और बड़े सभी खुशी बनाते हैं और उसे खुशी से खाते भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस कुर्बानी का एहसास इब्राहिम ने किया था उसका 1% भी मुस्लिम कर पा रहे हैं? ये कुर्बानी का नहीं, सेलिब्रेशन का दिन बन चुका है। कुरान में कुर्बानी के लिए बोला गया है, सेलिब्रेशन के लिए नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि आज मुसलमानों ने ईद को मजाक बना कर रखा है। आपको पता होगा कि मक्का में हज पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को एक कुर्बानी देना ज़रूरी होता है, लेकिन मक्का में आज के टाइम क्या हो रहा है, लोग एक शॉप पर जाते हैं, वहाँ से एक टोकन खरीदते हैं और काबा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद उनके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि जिस जानवर के लिए उन्होंने टोकन लिया था उसकी बलि ही या कुर्बानी दे दी गई है। यह एक प्रकार से ऑनलाइन कुर्बानी की तरह है। आप खुद सोचिए, यह कैसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी का एहसास ही नहीं, कुर्बानी के नाम पर जस्ट मजाक चल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि ईद बनाना गलत है, लेकिन कुर्बानी का एहसास ज़रूरी है। दुख तो इस बात का है कि मौलवी कम्युनिटी भी अपने लोगों को कुर्बानी का अर्थ नहीं समझा पा रही। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद भी इसे नहीं समझते। खैर, किसी ने बहुत ही गहरी बात कही है कि एक ही ईसाई पैदा हुआ था, उसे लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। अब मुझे लगता है कि बस एक ही मुसलमान पैदा हुआ था जो अब हमारे बीच नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए, और हाँ, आपके इसके बारे क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। अगर आप इसी तरह का लॉजिकल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।